हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो मैं हूँ प्रियंका गुप्ता और आप लोग हैं मेरे साथ मेरे इस ब्रज की यात्रा में। तो जैसा कि मैं आ गई हूँ मथुरा से 54 किलोमीटर दूर बरसाना, और यहाँ से मेरी सवारी चल पड़ी है अब नंदगांव के लिए, जो है करीब 10 किलोमीटर। तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगी जो नंदगांव है, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के कुछ सुनहरे पल बिताए थे। तो मैं आज आपको सैर कराने वाली हूँ नंदगांव की। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और चलिए चलते हैं नंदगांव में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं नंदगांव में, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी जाने की सुविधा नहीं है। तो मंदिर के नीचे ही पार्किंग है, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करते हुए हम लोग निकल पड़े अपने सवारी से, यानी कि अपने दो पहिया वाहन से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है पतली पतली गलियां जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपने बचपन के 11 साल कहीं और, यानी कि गोकुल में बिताने के बाद से वो आ गए थे नंदगांव में, और यहाँ बाकी का समय उन्होंने बिताया था। तो यहाँ पे उनके पिताजी के द्वारा, जो नंद बाबा थे, उनके द्वारा ये गांव बसाया गया है। तो इस गांव में हम लोग अभी चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नंद जी का मंदिर है, जिसको ये गांव बसाने की खुशी में वहाँ पे उनकी मंदिर की स्थापना किया गया है। तो ये है चढ़ाई, क्योंकि ये पहाड़ पे थोड़ा मतलब बनाया गया है। तो हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि जब पहाड़ चढ़ेंगे तभी वो मंदिर आएगा। वैसे आप देख सकते हैं कि गलियाँ कितनी पतली हैं, और यहाँ पे जो दीवारें हैं उससे बहुत सारे पेंटिंग बनाए गए हैं। और हम लोग भी अपनी सवारी को आगे बढ़ाते हुए, और जो यहाँ पे लोग हैं वो अपने घरों में ही छोटे मोटे दुकान करके अपना जीवन गुजारा करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग चलते चलते आ गए हैं ऊपर मंदिर के ऊपर, और यहाँ से आप देख सकते हैं नंदगांव की बसावट कैसी है। वैसे यह गाँव नंद बाबा ने कंस के प्रकोप से वहाँ के ग्वालों को बचाने के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए बसाया था, और गोकुल से उन्होंने सारे लोगों को लेकर यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस गांव को बसाया। चलिए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस गांव में लोगों ने क्या क्या अपना बिजनेस शुरू किया है। वैसे तो दोनों तरफ प्रसाद और कुछ सामग्री का दुकान है, जो कि मतलब छोटे मोटे सामग्री हैं जो लोगों ने घरों में ही कर रखा है। और दोनों तरफ जो दीवारें हैं उस पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित हैं, जैसे कि उनका बाल लीला और जैसे कि उनके जीवन में घटित हुई जितनी भी घटनाएँ हैं उनका चित्रण किया गया है। और गाँव के लोग यहीं पे अपना छोटा मोटा व्यापार करते हुए आपको नज़र आएंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस गांव में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको एक अलग तरह की भक्ति भाव आपके अंदर जागृत होगी। और जब हम लोग ने प्रवेश किया था तो बहुत ही दोपहर था, और वैसे हम लोग उस चीज़ को मतलब अनदेखा करते हुए आ गए मंदिर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है और ये हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर। तो ये नंद बाबा का मंदिर है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसका बनावट किया गया है और ये कितने दूरी में फैला हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं। वैसे धूप काफ़ी ज़्यादा था और तेज़ भी था, और हम लोग धूप से बचते हुए मतलब आए थे, तो सोचे कोई बात नहीं थोड़ा धूप ही सही, लेकिन थोड़ा भ्रमण कर ले। और अंदर जब हम लोग गए तो वहाँ पे चल रही थी आरती, तो हम लोगों ने भी आरती में शामिल खुद को कर लिए, और वो आरती में अपने आप को मग्न करते हुए, क्योंकि वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं था, इसलिए मेन मंदिर का वीडियो मैं नहीं मतलब उतना अच्छे से ले पाई हूँ, क्योंकि साफ साफ लिखा था कि वीडियोग्राफी यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो थोड़ा नियम का पालन करते हुए, वैसे तो कमी होता है मुझसे नियम का पालन, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ भगवान के दरबार में अगर लिखा है तो आदमी कर ही लेता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं अंदर भीड़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोगों ने जब ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो सामने से आवाज़ आई कि कृपया फ़ोन बंद कर ले, और हम लोगों ने बंद करके आरती में शामिल हुए और यहाँ से प्रसाद लिए, और फिर मैं आपको घुमाती हूँ मंदिर।
वैसे मैं एक राज की बात बता दूं कि अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं यही श्री कृष्ण भगवान का घर था उस टाइम में। भले इस मंदिर का निर्माण भरतपुर के एक राजा ने किया था, लेकिन अभी जहाँ ये जितने परिसर फैले हुए हैं या मंदिर फैला हुआ है, ये सारा नंद बाबा का था और यहीं पे यशोदा माँ और कृष्ण जी रहते थे। तो ये जितने भी अभी आप बनावट देख सकते हैं, ये सब भरतपुर के एक राजा थे, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। लेकिन ये वही स्थान है, वही ज़मीन है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के कई साल बिताए थे। और ठीक जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और नंद बाबा का मंदिर है, उसके बगल में शंकर जी का एक छोटा सा मंदिर है और साथ में उनके जितने भी घर वाले हैं, साथ में उनका भी यहाँ पे मंदिर स्थापित किया गया है। जैसे कि उनके बड़े भाई बलराम जी और उनकी माता और राधा जी का, और साथ में नंद बाबा का और श्री कृष्ण जी का। तो वहाँ पर ये सीढ़ियाँ उतर के हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या है। वैसे तो हर जगह थोड़ा बहुत कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन थोड़ी छोटी मोटी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ही लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं अंदर का दृश्य कितना ही मनोरम है, और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब राधा जी को और कृष्ण जी को एक ही मूर्ति में आप कह सकते हैं या देख भी सकते हैं कि इनकी बनावट की गई है, कि एक तरफ अर्धनारीश्वर बोल सकते हैं कि एक तरफ राधा जी को और एक तरफ कृष्ण जी को दर्शाया गया है। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, जैसा कि आप लोगों ने देख भी सकते हैं क्योंकि ये अभी ऊपर पहाड़ी पे बसा हुआ है। और हम लोगों ने, मतलब मुझे और भी जगह जाना था, कि जैसे कि बरसाने में ही लाडली जी का मंदिर जाना था और धूप काफ़ी हो रहा था, और क्या होता है कि दोपहर में मंदिर बंद भी हो जाती है, जिस कारण हम लोगों ने जल्दी से यहाँ पे अपना रुख बदल लिया चलने के लिए। तो अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। वैसे ये बहुत ही यादगार मोमेंट है हम लोगों के लिए जीवन में, अगर जब भी आपको समय मिले थोड़ा सा ही सही कभी इन जगहों के लिए निकालें और जाएं और देखें कि उस काल में जो भी घटनाएं घटित हुई थी कितनी जीवंत तो लगती हैं आज के दौर में भी। और मतलब ऐसा प्रतीत होता है मानो कि आप भी उस पल को जी रहे हैं। तो जब भी समय मिले एक बार ज़रूर भ्रमण करें नंदगांव में, और यहाँ के जो भी दीवारों पे जो पेंटिंग है उसको देखें और जो भी कलाकारी है उसको देखें। मेरे तरफ से मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो अपना फुल सपोर्ट करें और मेरे साथ बने रहें। मैं आपको पूरे बरसाने की सैर कराने वाली हूँ और वहाँ की जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो आपको मैं बताऊँगी, और जो इतिहास से संबंधित है उसको भी बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो कृपया शेयर करें और अपना खूब सारा प्यार मुझे दें। राधे राधे।